नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। फिलहाल आज हमारा कुल्लू मनाली में पहला दिन है और उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो हम लोग पेश कर रहे हैं आपके सामने दूसरा व्लॉग, और ये जो है हम लोग चार पाँच जगह लोकल साइट सीन करने वाले हैं, जैसे मॉल रोड हो गया, और कौन सा टेम्पल है भाई? एक्चुअली क्या, हमने अपने जो प्रोग्राम है उसको 3 दिन में डिवाइड कर दिया। हाँ। सबसे पहले हम 5 किलोमीटर के अंदर जितनी भी रेंज है आज हम लोग करेंगे, जिसमें हडिम्बा टेम्पल हमारा, मॉल रोड हो गया, और नियर बाय दुर्गा टेम्पल है, वो आज हम खत्म करेंगे। हाँ, और उसके बाद कल का बताएंगे प्रोग्राम क्या बनता है, फिलहाल आज का शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगा, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, निशांत व्लॉग्स 2020, लिंक इन डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। सो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना आपका वक्त जाया किए हुए। सो लेट्स बिगिन द शो। और ये जो है हमारा रूम मिला था, ये वॉशरूम है बेसिन, यहाँ पे कमोड, और यहाँ पे गर्म ठंडा दोनों पानी आता है। ये रूम की हालत हमने 1 घंटे में बना दी है, आप देख सकते हैं कितनी साफ सुथरी हमने बना रखी है इसको। और ये बालकनी से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये व्यू है आपको, और रूम काफ़ी साफ सुथरा है हमारा, और हम भी काफ़ी साफ सुथरे लग रहे हैं अभी, और अमन भाई तो लग ही रहे हैं। यू मैन, चले नीचे हम। चलिए सर। देखिए, हर बारी की तरह हम लोग तो चौधरी बन के निकल जाते हैं कि ठंड होगी नहीं उतना, कि मतलब जैकेट वैकेट नॉर्मल रख लो, पर यहाँ पे ठंड से हमारी हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रात को 0 डिग्री भी जाएगी, क्योंकि कल ही बर्फ़ पड़ी थी। तो फिलहाल मैंने और ऋषभ ने डिसाइड करा है कि चलते हैं भाई मॉल रोड, और कुछ जैकेट वैकेट उठाते हैं, क्योंकि हमारी हालत हो रही है पस्त, क्योंकि हम जो जैकेट लाए हुए हैं उससे काम नहीं जाने वाला यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है? अमीरों वाली फील आ रही है, इंस्टेंट प्लान अच्छे होते हैं, तो कपड़े हो तब। हाँ, कपड़े हो तो इंस्टेंट प्लान बढ़िया है, पर हम बिना कपड़े के भी इंस्टेंट प्लान बना के घूम रहे हैं। चलो देखते हैं क्या मिलता है। भाई साहब, हमें कल करनी थी रोहतांग वैली में ट्रैकिंग, और फिलहाल जो है अभी 750 मीटर चलने के बाद हम 3 बार स्टॉप ले चुके हैं, 250 मीटर और है, 450 मीटर है, अभी 550 मीटर ही चला है हमने अपने रूम से, और हमारी दुर्दशा जो है ख़राब हो चुकी है। और कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग, कौन सी जगह? हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं अभी हम लोग, और 450 मीटर बाकी, और हालत हो चुकी है पस्त। चलो फिर भी हम लोग पहुँचेंगे। और ये हम लोग घने जंगलों के बीच से निकलते हुए, और हमारी हालत हो चुकी है पस्त, फिर भी हमें पहुंचना है मंजिल तक, 400 मीटर और है, और मज़ा आ रहा है काफ़ी, क्योंकि सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा है, और मौसम जो है और जो जगह है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये वही लड़की है जो सुबह में बिना मास्क के दिखाया था पिछले व्लॉग में, सॉरी बिना मेकअप के दिखाया था। हाँ, देखिए अब खूबसूरत लग रही है। I'll kill you. और ये भाई सा फोटोग्राफर, अच्छा हमको भी खड़ा होना है, फोटो शूट कर रहे हैं ऋषभ। ये जो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ना, हमें लग रहा था कि मतलब सीधे सीधे चलते जाना है, पर ये सीधी खड़ी चढ़ाई है 1 किलोमीटर की, तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। और भाई साहब, हम दोनों ने प्लान करा है, हम दोनों का यही प्लान है कि हम लोग उन लोगों से पहले पहुंच के हम लोग 2-4 फोटो क्लिक कर ले, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फोटो क्लिक नहीं हो पाएगी। सो हम लोग आगे भाग रहे हैं। हाँ, हमारा भी सोशल मीडिया है, हमारे भी 115 फैंस हैं। मेरे 15 फैन हैं, तेरे जोड़ के होता है 115। अच्छा, और भाई साहब हमारी मंजिल वहाँ है। कैसा लग रहा है उन लोगों से आगे पहुंच के? काफी बढ़िया। सिलाजीत हूँ, सिलाजीत कैसा? भाई साहब, यहाँ मंदिर पे आओगे
इतनी भीड़ मिलेगी तुम्हें, और प्लस दूसरी बात ना, भीड़ के साथ साथ इतनी शांति मिलेगी, एक मतलब आवाज़ भी करोगे तो तुम्हारी आवाज़ गूंजेगी, इतनी शांति है यहाँ पे। कैसा लगा ऋषभ? काफी खूबसूरत, और कहा जाता है ना पीस भाई, मतलब बहुत शांति है लिटरली, और एक वन विहार है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा देखते हैं क्या है ऐसा, ये घूमने ही आया तो कुछ कुछ जो भी मिल रहा है थोड़ा सोचने की कर ही ले इसको। यहाँ पे रुका गया है, देखते हैं टिकट है क्या है, और 20 मिनट बचे हुए हैं, और 10 रुपया जो है वो एंट्री फी है। देख लो हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये वन विहार है। वन विहार की खासियत क्या है भाई? ये तो भाई पता करनी पड़ेगी। और ये लोकेशन देख के ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे बहुत सारी 90s की बॉलीवुड मूवी शूट हुई है। काफी खूबसूरत लोकेशन है भाई, मैं मतलब कैमरा से बयान नहीं कर सकता हूँ, मतलब सामने से देखने में समझ में आएगा। लद्दाख भी मैंने ट्रिप करा, पर इसका एक अलग मजा, एक अलग वाइब है। और असली मजा तो भाई हम दोनों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं और पार्क हो चुका है बंद, हम एंट्री है हमारा, इस वजह से हम लोग फोटो क्लिक कर पा रहे हैं, मजा कर पा रहे हैं। फोटो देखने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, निशांत व्लॉग्स 2020, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे हम लोग फोटो शूट करा रहे हैं, फिर इसके बाहर निकल के आपको कुछ दिखाते हैं नया। और फोटोग्राफ साहब कैसा लग रहा है भाई साहब? इनकी फोटो शूट खत्म नहीं हो रही है यार, ऐसे नहीं, ये मैं अभी आई हूं। ये आदमी जो है कम से कम 100-150 फोटो क्लिक करा चुकी है, मतलब ये औरत जो है अधेड़ उम्र की, ये 100-150 फोटो क्लिक करा चुकी है। और मंदिर में हम लोगों ने माथा टेक लिया है, और दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, पर आज बहुत दिनों बाद मंदिर गया, मैं सुन सा पड़ गया था, मैं पता नहीं क्या एक वाइब आया कि मतलब मैं अपने मतलब इमोशन को मैं बयान नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा सुकून मिला मुझे अंदर जाके, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ से हम लोग फिलहाल अब प्रस्थान कर रहे हैं मॉल रोड के लिए, और मॉल रोड बेसिकली यहाँ का लोकल मार्केट है, जहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग आप कर सकते हैं, खाने वाने की चीज़ें हैं, आप ऐस मौज कर सकते हैं, पैसे लुटा सकते हैं, कितने भी पैसे लेके जाएं वहाँ पे आपके खर्च हो जाएंगे, तो इस वजह से वहाँ पे पॉकेट अपना दबा के रखें। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास है, 1.5 किलोमीटर हमें नीचे उतरना है ट्रैकिंग करके ही, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, और आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे, जहाँ जहाँ हमें लगा कि आपको बताना चाहिए वहाँ बताएंगे। और यहाँ पे आप आओगे तो बहुत सारे लोग फोटो क्लिक कराने के लिए बोलेंगे कि ये एक खरगोश के साथ करा लो, याक के साथ करा लो, और उसके बाद हिमाचली ड्रेस के साथ करा लो, सबके 20-50-100 रुपये हैं, तो आपको अगर मन करे इच्छा अनुसार आप करा सकते हो। बाकी पीछे जहाँ पे हम लोग गए थे वन भी है कोई, जहाँ पशु पक्षी हैं छोटे मोटे, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, काफ़ी सुकून भरा जगह है ये। यहाँ पे एक बार आप मनाली अगर घूमने आए, अगर मतलब पर्पज़ से यहाँ घूमने के, तो एक बार इस मंदिर वहाँ के मथा जरूर टेके आप। बाकी हम लोग चलते हैं मॉल रोड के लिए। आपसे मैं जानना चाह रहा था जी कि यहाँ पे मंदिर में आके मत्था टेक के कैसा महसूस हो रहा है? मंदिर में जाके लिटरली सुन हो गए थे, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा, मतलब वाइब एक अलग, क्योंकि वाइब्स थी, मतलब क्योंकि हम लोग उतना मंदिर मंदिर जाते नहीं है भाई, हमारा मन नहीं था, लेकिन जब हमें जबरदस्ती लेके गए तो फिर पता चला कि मतलब काफी अच्छा होता है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील हुआ। चल दौड़ ऋषभ, ऋषभ दौड़ 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 ऋषभ दौड़ अरे अरे दौड़ ऋषभ, हर हर ऋषभ दौड़ ऋषभ, रुका नहीं दौड़। और ये हम लोग भाई रुक जा भाई, रुक ले रुक, अरे रुक ले, अरे रुक भाई रुक जा भाई, बिल्कुल भी हमारी वाली गलती नहीं करना, क्योंकि रुक नहीं पाओगे ढलान पे, हालत खराब हो गई। सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता है कौन ऋषभ? कौन है ऋषभ? इतने क्यों पीते हो? कूद प्रैंक था भाई, हमारा लौंडा बिल्कुल सही सलामत है। जस्ट अ प्रैंक ब्रो। और भाई यहाँ पे ऋषभ भाई को शॉल लेना है, तो ये अपने घर वालों के लिए भी ले रहे हैं, तो मैं भी बैठ गया, मैं भी देख रहा हूँ शॉल देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, एक ऋषभ भाई ने एक शॉल लिया है, और काफी सही सही शॉल है, 100 रुपए से लेके 20,000 तक के शॉल इनके पास है। देखते हैं मैं मुझे कौन सा पसंद आता है क्या। Thank you.
भाई अभी जो मैंने क्लिप दिखाई है ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आ रही है एक नई अद्भुत, उसी की शूटिंग चल रही है अभी आधे घंटे में, वहाँ पे शॉट रेडी होगा अभी, लाइट वाइट प्रिपेयर हो रही है। भाई किस्मत इतनी ख़राब है कि हमारे रूम के सामने ही शूट चल रही है, हमें पता नहीं था। और भाई अभी हम लोग गए तब तक अभी दूसरे सीन के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब अंदर चले गए थे। भाई इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है ना कि मतलब वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, पर सबको भूख लगी हुई है, वो खाने के लिए बोले, पर मैं ट्राई दोबारा फिर करूँगा यहाँ पे आने के, क्योंकि अब तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे मॉल रोड के पास ही शूटिंग चल रही है उनकी, भाई साहब समझ में ही नहीं आ रहा अब क्या ही करें। और ये मॉल रोड का शाम का खूबसूरत नज़ारा है ये, भाई साहब भूख से हालत हो चुकी है टंच बिल्कुल अब, क्योंकि सुबह से बस एक ब्रेड ऑमलेट हमारा चला हुआ है, सुबह से नहीं कल रात से एक ब्रेड ऑमलेट चला हुआ है, भूख से हालत हो चुकी है पस्त। यहाँ पर कुछ आइडिया है नहीं, एक दुकान में आए हैं, पंजाबी है, पंजाबी ढाबा टाइप करके है, और उसमें हम लोग पाव भाजी ऑर्डर कर रहे हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है क्या है, सबको बताते हैं। देखो भाई पाव भाजी तो आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रहे हैं, अब प्रिया टेस्ट करके बताइए कैसा है, बताइए। नहीं भाई ऐसा नहीं लगता मेरे को भूख, थैंक यू भाई, ठीक है वर्थ इट, चलो बढ़िया फिर। भाई साहब पाव भाजी तो वर्थ इट नहीं था, क्योंकि 100 रुपये के थे दो पाव और भाजी, जो कि भाजी में इतना ज़्यादा वाइली था, इतना ज़्यादा वाइली था कि मज़ा नहीं आया, पर गुलाब जामुन 20 रुपये के बहुत ज़्यादा वर्थ इट थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भाई साहब अब चल रहे हैं रूम पे, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, हमारे पास उस तरह के कपड़े नहीं है कि हम इस ठंड को झेल पाए, तो फिलहाल हम लोग रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, अब रूम पे जाके आपसे सीधे मुलाकात करेंगे। तो भैया हम लोग घर पे कर चुके हैं प्रस्थान, और हमारी हालत हो चुकी है टाइट, हम लोग अब जगने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, सबको ठंड लग चुकी है, हालत ख़राब है सबका, सबके नाक बह रहे हैं एकदम। हाँ देखिए लाइव एग्जाम्पल। तो फिलहाल के लिए ये इस ब्लॉग का समाप्ति है, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कल से जो हमारा ट्रिप है वो शुरू होगा स्नो वैली रोहतांग, तो वहां से ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और काफी ज्यादा आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो जाके सब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं सबके लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम के, और मेरे भी आपको पता ही है निशांत व्लॉग्स 2020, और सभी भाई के मैं इंस्टाग्राम का लिंक्स डाल दूंगा, आप जाके फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो, क्योंकि अब भाइयों के साथ रेगुलर व्लॉग आने वाला है। अब हमारे टीम में ज्वाइन हो चुका है, टीम सारथी है हमारा। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी गोवा का व्लॉग आ रहा है, ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, और गोवा में न्यू ईयर पे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको निशांत व्लॉग्स में मिलेगी। और ये हम लोग सोचे थे सरप्राइज करने का, पर अमन भाई ने रिवील कर दिया, तो मतलब कर दिया तो कर दिया, छोड़िए। यू मैन, गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय, टाटा।